यहाँ पानी पीने के लिए बहुत गंदगी होता है, बच्चे लोग बीमार हो जाते हैं, सब बड़े लोग भी बीमार हो जा रहे हैं। शौचालय है वहाँ भी बहुत गंदगी है, नाले के किनारे घर है और घर में सुविधा नहीं है, बाथरूम बनाने के लिए लैट्रिन के लिए असुविधा हो रहा है, पीने का पानी नहाने का पानी सभी में सब असुविधा होने के कारण बच्चे सब बीमार हो जा रहे हैं और कुछ ऐसा सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। अभी संबलपुर में जो हालत है, मोर देन 2000 पीपल आर अफेक्टेड ड्यू टू गंदगी और ऑफिशियली 17 मौत हो चुका है। अगर सही मायने में हम देखें तो इसकी संख्या 40 से कम नहीं, 40 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। तो आज जो स्थिति है ये अभी मतलब मई से लेकर दिसंबर के अंदर 17 मौत हुई है, लेकिन ये सिचुएशन ये 6 महीने में नहीं है। ये सिचुएशन बना है कॉन्टिन्यूस नेग्लिजेंस, 10 साल से ज़्यादा या 15 साल से ज़्यादा कंटिन्यूसली म्यूनसिपल अथॉरिटी का नेग्लिजेंस और जो लाइन डिपार्टमेंट है सबका जो नेग्लिजेंस की वजह से ये हालत हुआ है। तो संबलपुर इतना पुराना शहर है, 500 साल का शहर है, लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम आज भी वही पुराना मॉडल का ड्रेनेज सिस्टम है। और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम में अगर देखेंगे तो सरकार ने कभी काम नहीं किया ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे शहर में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, एक 1954 से फंक्शनल है जो ओल्ड टाउन एरिया में मोदीपुरा में, वो पानी लाता है बालीबंदा से, रिवर महानदी से, तो जो हीराकुड डैम के डाउनस्ट्रीम है। और दूसरा ट्रीटमेंट प्लांट है बराई पाली में, जो पानी लाता है अपस्ट्रीम से, डैम के अपस्ट्रीम से, रिजर्वर से डायरेक्टली लाता है। अगर जॉन्डिस को अच्छी तरह एनालाइज किया जाए तो ये देखने को मिलता है जो दोज एरिया विच टेक वाटर फ्रॉम मोदीपुरा ट्रीटमेंट प्लांट आर वर्स्ट अफेक्टेड ड्यू टू जॉन्डिस। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आपका शौचालय जो बना हुआ है 20 साल से बनाया हुआ है, वही शौचालय आज तक आने के साबुत नहीं हुआ है। जो गंदगी दिख रहा है, पानी गिरा हुआ है, मिट्टी उट्टी सब उसी में ही लोग यूज कर रहे हैं। उसके बगल में आपका नाला है, नाला में जो पाइप सब गया है वो भी साफ नहीं हो पा रहा है, उसी हिसाब से यानी कि जॉन्डिस भी फैला हुआ है। आज के संबलपुर में 40 आदमी मर चुके हैं और 200 आदमी एडमिट है, और उसी का यानी कि अभी तक कुछ रिकमेंड नहीं मिला है, हम लोगों को कुछ साफ उफ नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ का जो मैला जो गिरा हुआ है वो सब कभी नहीं हुआ है। ये जॉन्डिस का बात जो वाटर कंटामिनेशन का बात हो रहा है, उसमें हम लोग बोल रहे हैं सरफेस वाटर में कंटामिनेशन है, लेकिन मैं इसको इतना नैरोली देखने के लिए नहीं। हमारा जो प्लानिंग सिस्टम इतना नैरो है, फास्ट साइटेड नहीं है, इसके लिए हम लोगों आगे का दिन में और बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि आप जब ये अभी वाटर कंटामिनेशन बात आ रहा है, ओपन डेफिकेशन का बात आ रहा है, लेकिन हमारा तो जो टॉयलेट है वो टॉयलेट से हमारा वाटर कंटामिनेट हो रहा है। संबलपुर टाउन में जितना भी टॉयलेट होगा 80% टॉयलेट का जो स्टोरेज लाइन है वो डायरेक्ट उनका सेप्टिक नहीं है, जो सरप्लस वाटर है सेप्टिक टैंक का वो डायरेक्ट नाला में आता है। तो इसका ओवर डेफिकेशन ऑफ टॉयलेट होने का क्या बात है, वो कंटामिनेट तो करता है वाटर बॉडी। और हमारा संबलपुर शहर का ऊपर है हीराकुड डैम, हीराकुड डैम और संबलपुर शहर उसका बीच जो इंडस्ट्रीज है उसका जो एफुल है उसका जो पानी वो महानदी में आता है, और हमारा जितना केनाल सिस्टम है केनाल नाला में हो उतने में वो महानदी को आता है, और दूसरी रास्ते में वो ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट करता है। अभी जो सर्वे के हिसाब से हमारे पूरे शहर में 30,000 हाउस होल्ड में से 77% लोगों ने अवेल पीएचडी वाटर सप्लाई, और 10,000 घरों में टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। आज अगर सरकार सामने आके बोल रही है कि 100 करोड़ रुपया लेके हम जो पाइप का रिप्लेसमेंट करेंगे वो ओवरऑलिंग करेंगे, अभी उसके प्रपोजल के अंदर ये भी है जो 11 MLD का मोदीपड़ा का ट्रीटमेंट प्लांट है
उसका रिनोवेशन करेंगे, उसको मॉडर्नाइजेशन करेंगे। पाइपलाइन रिप्लेसमेंट के लिए आप 100 करोड़ रुपया दे दे रहे हैं, पाइपलाइन रिप्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन पाइपलाइन के कैसे जाएगा, कैसे पाइपलाइन लोगों तक पहुंचेगा, जो कि कैसे पाइपलाइन का मैप किया जाएगा ताकि हम सेफ वाटर लोगों के पास पहुंचा जाए, उसके बारे में अगर मैप नहीं किया जाएगा तो ये पैसा या ये इन्वेस्टमेंट ये काम का कोई मायने नहीं रहेगा डेज टू कम। तो अगर ठीक से एनालाइज किया जाए, ठीक से देखा जाए, तो मतलब कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक मशीनरी गवर्नमेंट मशीनरी को वी कैनॉट मेक रिस्पॉन्सिबल। ओवरऑल देखेंगे तो PHED, आपका म्युनिसिपालिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है।